यूएन के द्वारा निर्धारित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर एक लंबी चर्चा को और समृद्ध चर्चा को आगे बढ़ाया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। संविधान दिवस का कार्यक्रम पहली बार मनाने का कार्यक्रम हो, उत्तर प्रदेश जो देश की आबादी की इससे सबसे बड़ा प्रदेश है, उस उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर रहा हो, या फिर इस दौरान उत्तर प्रदेश के प्रसेप्शन को लेकर के जो कुछ भी कदम उठाए गए हैं इन सब को लेकर के रहा हो, वह अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक रहा है। महोदय, जब यहां पर मैं मेरे सहयोगी वित्त मंत्री से सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा प्रस्तुत इस अनुपूरक बजट और अंतरिम बजट पे चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं यहां पे खड़ा हूं, स्वाभाविक रूप से पिछले 5 वर्ष के दौरान जिन मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने कार्य किया उसमें हमने जिन बातों को ध्यान में रख करके अपने पूरे कार्यक्रम को और अपने पूरे कार्य योजना को बढ़ा करके प्रस्तुत किया था, उसमें हमारे सामने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पंक्तियां भी बराबर हमें अनुप्रेरित करती थी कि धरती माता प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति तो कर सकती है लेकिन हर व्यक्ति के लोभ की पूर्ति नहीं कर सकती। हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इन वचनों को भी सदैव ध्यान में रखकर के कार्य किया कि आर्थिक योजनाओं का आर्थिक प्रगति का माप समाज के ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचे हुए व्यक्ति नहीं बल्कि सबसे नीचे के पायदान पर विद्यमान व्यक्ति से होगा। और इन बातों को ध्यान में रखकर के जब हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया, महोदय, बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई। हमें योजनाएं बनाते समय अपने पराये का ध्यान कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। हमने उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी के इन मंत्रों को ध्यान में रखा, सबका साथ और सबके विकास का, क्योंकि हम सबका मानना था कि जो सर्वे अटल जी ने कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। हमने केवल एक बात माना था कि आदमी न ऊंचा होता है न नीचा होता है, न बड़ा होता है न छोटा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। और इन बातों को ध्यान में रखकर के हम लोगों ने कार्य किया। यद्यपि कहने के लिए हमारी सरकार को 4.5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं लेकिन अगर हम सही मायने में देखेंगे तो सरकार को कार्य करने का कुल 3.5 वर्ष का समय ही मिल पाया। लगभग 20 महीने का समय तो कोरोना महामारी से जूझते हुए देश और दुनिया ने गुजारा है लेकिन एक संवैधानिक व्यवस्था है, उस संवैधानिक व्यवस्था के तहत चुनौती आती है तो चुनौती ही व्यक्ति की सही परीक्षा भी लेती है। कोरोना कालखंड में दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें पस्त हुई, उसके सामने नतमस्तक हुई लेकिन देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाया गया, अभिनंदनीय है।
135 करोड़ लोगों को वैक्सीन फ्री में वैक्सीन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो, 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से फ्री में राशन की व्यवस्था हो, या फिर फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार की व्यवस्था हो। कोरोना महामारी इस देश की एक ऐसी महामारी थी जो दुनिया के अंदर पहली बार इस प्रकार का वायरस आया था, तीव्र संक्रमण था, और उस संक्रमण की चपेट में जो भी आता था उसकी वह उससे संक्रमित होता था। दुनिया के अंदर जिनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से कई गुना अच्छा है, कई ज्यादा अच्छा है, उस देश में भारत की आबादी से आधी आबादी या 1/4 आबादी होने के बावजूद वहां पर मौत के आंकड़े भारत के अंदर कोरोना से भी मौत के आंकड़ों से कई ज्यादा थे। अमेरिका की हम बात करें, अमेरिका की आबादी भारत की आबादी की 1/4 है, लेकिन अमेरिका के अंदर कोरोना से हुई मौतें